दोस्तों आपने मोबाइल रूट तो कर लिया है, लेकिन मेरी तरह आप एक जगह आके फंस गए हैं, क्योंकि मैंने कोई भी रोम इसके अंदर कॉपी करी नहीं थी और मैंने अपना डाटा पहले ही वाइप कर दिया। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है हमारे पास? पहला तो ऑप्शन ये है कि हम OTG केबल की मदद से अपनी पेन ड्राइव लगा के या कार्ड रीडर लगा के कोई भी फाइल मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिकवरी ये ऑप्शन देती है यहाँ पर USB OTG, जिससे हम कोई भी फाइल बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास OTG केबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक और ऑप्शन है ADB, आप कोई भी फाइल मूव कर सकते हैं ADB के ज़रिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप ADB की मदद से कोई भी फाइल अपनी रिकवरी में मूव कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट कीजिए और अब माउंट में जाइए और यहाँ पर इनेबल MTP कर दीजिए। और अब सारा काम PC पर है तो PC पे चलते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको दो फाइलों की ज़रूरत होगी, फर्स्ट मिनिमल ADB फास्ट बूट सेटअप की और एक रोम की। और अगर आपने अपना मोबाइल पहले से रूट कर रखा है तो आपके मोबाइल के ड्राइवर्स आपके PC में इंस्टॉल होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल के ड्राइवर्स अपने PC में इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले हम मिनिमल ADB फास्ट बूट को रन करते हैं। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हैं इंस्टॉल के लिए, मैं डिफॉल्ट को ही चूज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट 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 इंस्टॉल एंड फिनिश। अब आपके मिनिमल ADB फास्ट बूट सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, तो आप अपनी रोम को कॉपी कीजिए और वहां पे पेस्ट कीजिए जहां पे आपने मिनिमल ADB फास्ट बूट को इंस्टॉल किया है। और अब ये कॉपी हो चुका है। अब आपको एक टर्मिनल ऑन करना है। मैं अभी विंडो पे हूँ तो मैं आपको विंडो का बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको मैक या लिनक्स पे ऑन करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप टर्मिनल को ऑन करें। अब आप शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन कमांड विंडो हियर, इस पर आप क्लिक कीजिए और अब आपके सामने कमांड विंडो ओपन हो चुकी है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए हैं PC में कि नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आप एक कमांड दीजिए ADB स्पेस डिवाइसेस, प्रेस एंटर। अब आपको यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर मिलेगा, मतलब कि आपके ड्राइवर्स बिल्कुल सही इंस्टॉल हुए हैं। तो अब आप कोई भी फाइल अपने मोबाइल में मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको मैक में या लिनक्स में चेक करना है तो आप उसके लिए भी कमांड लिख सकते हैं, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है /adb-mac-devices। और लिनक्स में भी सेम है, बस मैक की जगह लिनक्स आ जाएगा। मैक लिनक्स विंडो में सब कुछ सेम टू सेम है, बस इस कमांड का फर्क है अपने ड्राइवर चेक करने के लिए। अब आपको अपनी फाइल कॉपी करनी है तो आप कमांड दीजिए ADB space push, फिर फाइल का नाम लिखिए, जैसे मैंने डाउनलोड की है CM14.1, तो मैं लिखता हूँ CM-14.1। अब मैं टैब दबाऊंगा और जो आपकी फाइल का पूरा नेम है वो एग्जैक्टली यहाँ पे खुद ब खुद लिख जाएगा। और बस आपको इसके आगे एक ज़रा सा कुछ लिखना है, /SD card/.enter। अब आपकी फाइल मूव होना शुरू हो गई है और आप ऐसे ही कोई भी फाइल मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आपकी फाइल मूव हो चुकी है तो हम मोबाइल पे चलते हैं ये देखने की फाइल ठीक से मूव हुई है कि नहीं। दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल सही से मूव हुई है कि नहीं हुई है। तो हम बैक जाते हैं और अब जाते हैं इंस्टॉल पर और अब आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल बिल्कुल सही से मूव हो चुकी है। तो हम अब इसको फ्लैश कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो रोज़ लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।